मैं अहमदास फलांगी, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का आपका छठवां इकाई, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। और इससे पहले वाला जो भी क्लास है, उसमें हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर किया है। इससे पहले वाले क्लास में हमने मुक्त ऊर्जा क्या है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है, वो हम लोग देखे थे। आज हम देखेंगे मुक्त ऊर्जा परिवर्तन व अभिक्रिया की स्वतः परवर्तिता का अनुमान। इस प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि ऐसा निकाय जो अविलगित नहीं है, तो उस स्थिति में उसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा निकाय जो विलगित नहीं है, विलगित नहीं है मतलब जो है, हम लोग विलगित अंदर नहीं, मतलब जो अपने परिवेश के साथ क्या कर सकता है, ऊष्मा का ऊर्जा का लेन देन कर सकता है। तो ऐसा निकाय जो विलगित नहीं है, तो हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, हम जानते हैं ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से कहाँ से, तो ये हो जाता है डेल एस, ये हो जाता है टोटल, डेल एस टोटल, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग डेल एस, ये हो गया टोटल, बराबर क्या होता है हमारा डेल एस सिस्टम सिस्टम प्लस, ये हमारा क्या होता है डेल एस सराउंडिंग सराउंडिंग, ये हम लोग जानते हैं। यदि प्रक्रम स्थिर ताप और दाब पर हो, यदि प्रक्रिया यहाँ पर लिख देते हैं, यदि प्रक्रिया स्थिर ताप व दाब पर हो, स्थिर ताप और दाब पर हो तथा निकाय द्वारा परिवेश द्वारा तथा परिवेश द्वारा निकाय को क्यों ऊष्मा दी जाती हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सराउंडिंग क्या कर रहा है हमारा, निकाय को क्यों ऊष्मा दे रहा है, ये सराउंडिंग मतलब क्या होता है, परिवेश होता है। और ये किसको देता है हमारा निकाय को क्यू ऊष्मा देता है, मतलब दे रहा है मतलब माइनस होता है, और ये डेल टी हो जाता है, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है हमारा एच होता है, तो इसको यहाँ पर एच भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो एच अपान क्या हो जाता है हमारा डेल टी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसा निकाय जो विलगित नहीं है, तो उस स्थिति में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग देखे थे डेल एस टोटल इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस क्या होता है सराउंडिंग होता है। यदि प्रक्रिया स्थिर ताप पर और दाब पर हो तथा परिवेश द्वारा निकाय को क्यों ऊष्मा दी जाती हो, मान लेते हैं हम लोग प्रक्रिया जो है ताप जो है स्थिर ताप और दाब पर हो रहा है, और सराउंडिंग द्वारा मतलब परिवेश द्वारा ऊष्मा किसको दिया जा रहा है हमारा सिस्टम को दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में जब ऊष्मा देता है तो इसको माइनस क्यू अपान डेल टी से क्या किया जाता है दर्शाया जाता है, जहाँ पर हम जानते हैं क्यू बराबर एच होता है, तो यहाँ पर इसको क्या किया जा सकता है हमारा माइनस एच अपॉन डेल टी भी लिखा जा सकता है। अब इस मान को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण इसको एक दे देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया हम लोग समीकरण दो दिए, तो समीकरण दो के है ना, समीकरण दो के डेल एस का मान मतलब डेल एस सराउंडिंग का मान, सराउंडिंग का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो रख दो भाई, तो क्या होता है हमारा डेल एस, तो यहाँ पर हम लिख दिए डेल एस, ये क्या होता है हमारा टोटल, डेल एस टोटल बराबर क्या होता है हमारा डेल एस सिस्टम होता है, तो यहाँ पर लिख दो डेल एस सिस्टम प्लस, अब देखो डेल एस सराउंडिंग का मान क्या मिला है हमारा माइनस में मिला है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, और एच अपान क्या हो जाता है हमारा टी क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, डेल टी क्या होता है प्राप्त होता है, तो ये हमारा क्या हो गया डेल टी।
अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में इसको समीकरण क्या कर देते हैं, तीन दे देते हैं, और समीकरण तीन के दोनों पक्षों में क्या करते हैं, टी से गुणा करते हैं। तो लिख सकते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में किसका भाई हमारा, टी से गुणा करने पर। तो जब हम क्या करते हैं इसको, टी से क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, तो टी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है हमारा टी डेल एस आ जाता है। टी से गुणा करेंगे तो टोटल हो गया हमारा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं टी, और ये हो गया डेल एस, ये टोटल है भाई हमारा। फिर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, टी डेल, है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है फिर से टी डेल एस, यहाँ पर फिर से आ गया तो टी डेल एस हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है आपका, टी टी तो कैंसिल हो जाता है, तो ये डेल एच क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, क्योंकि टी से गुणा करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाता है आपका, ये डेल एच क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, डेल एच प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक समीकरण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है या प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, डेल एच को इस तरफ करते हैं, टी डेल एस को उस तरफ करते हैं, तो ये सब का जो है चार्ज खत्म हो जाता है, मतलब बदल जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा, टी डेल एस बराबर, ये हम लोग इधर कर दिए तो क्या हो जाता है हमारा, डेल एच माइनस का प्लस में चला गया, और ये हमारा क्या था, प्लस में था, वो क्या चीज में चला गया आपका, माइनस में चला गया। तो ये क्या हो जाता है हमारा, माइनस टी डेल एस इक्वल टू डेल एच, माइनस क्या हो जाता है, टी डेल एस हो जाता है। हम जानते हैं गिब्स ऊर्जा परिवर्तन से, गिब्स है ना, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से, तो लिख सकते हैं यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से अगर देखें हम, परिवर्तन से, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये होता है जी इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच माइनस क्या होता है, टी डेल एस, टी एस होता है, क्या होता है हमारा, जी इक्वल टू क्या होता है भाई हमारा, ये हो जाता है जी बराबर, ये हो जाता है क्या हमारा, एच माइनस टी एस, परिवर्तन करने पर क्या होगा हमारा, डेल जी इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेल एच, डेल एच, डेल एच, तो इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, डेल एच, और यहाँ पर माइनस में टी रहता है और टी डेल एस होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण में पुट कर सकते हैं। मान लो ये समीकरण कौन सा है, चार है, ये समीकरण क्या है, पाँच है, और ये समीकरण क्या करते हैं हमारे, छः है। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण जो छः का जो डेल जी का मान होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर डेल जी बराबर क्या होता है हमारा, ये जो समीकरण छः आपको दिख रहा है, डेल एच माइनस टी डेल एस के बराबर होता है, मतलब हम यहाँ के जगह इतना क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि डेल जी बराबर इतना होता है, तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारा मान क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है माइनस, ये हो जाता है टी डेल एस इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, डेल जी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यदि हम इसको क्या करें, जस्ट खिसका दें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, टी डेल एस बराबर माइनस डेल जी का मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसको इस तरीके से क्या किया जाता है आपका, लिखा जाता है। और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन व अभिक्रिया के स्वतः परिवर्तित प्रकरण के लिए इस प्रकार से क्या किया जाता है, एक मान प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें हमारा मान क्या प्राप्त होता है भाई, माइनस टी डेल एस इक्वल टू डेल जी रहता है। बट अब इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो माइनस इसमें आ जाता है, प्लस इसमें आ जाता है। तो इस तरीका से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन व अभिक्रिया की जो स्वतः परिवर्ति जो प्रक्रम है, उसका अनुमान लगा जा सकता है। और इसमें ये कहा जा सकता है कि जिसमें वह प्रक्रम, जिसमें आपका जो डेल जी का मान जो होता है, वह डेल जी का मान अगर ऋणात्मक में आता है, तो उस स्थिति में वो जो प्रक्रिया होता है, वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल जी का मान क्या होने पर भाई, ऋणात्मक होने की स्थिति में कोई प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि समीकरण के अनुसार से, या जो समीकरण प्राप्त किए हैं उसके आधार पर बोल सकते हैं, यदि हमारा डेल जी का मान किस में आता है, अगर बोल सकते हैं
आपका ऋणात्मक में आता है तो वो प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। तो इस समीकरण से उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, जो आपको पेपर में भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या डेल एस डेल जी जो अभी देखे हैं, डेल जी के ऋणात्मक होने की परिस्थितियाँ। इसमें आप पहला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि हमारा क्या होता है डेल एच का मान डेल एच ऋणात्मक हो और डेल एच ऋणात्मक हो और टी डेल एस धनात्मक हो तो इस स्थिति में डेल जी का मान ऋणात्मक होता है और प्रक्रिया स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यदि डेल एच कैसा है ऋणात्मक है और टी डेल एस का मान कैसा है धनात्मक है, उस स्थिति में डेल जी का मान ऋणात्मक होता है और उस स्थिति में वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। दूसरा, यदि डेल एच और टी डेल एस दोनों क्या हो ऋणात्मक हो, यदि हमारा यहाँ पर दिया है डेल एच और टी डेल एस डेल एच और टी डेल एस दोनों ऋणात्मक हो तो इस स्थिति में डेल एच प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के पक्ष में डेल एच स्वतः प्रवर्तित प्रवर्तित प्रक्रम के पक्ष में होता है प्रक्रम के पक्ष में होता है पक्ष में होता है पक्ष में होता है जबकि जबकि टी डेल एस जबकि टी डेल एस टी डेल एस जबकि टी डेल एस इसके विपरीत होता है इसके विपरीत होता है विपरीत होता है विपरीत होता है इसलिए है ना डेल जी का मान कैसा होता है धनात्मक में होता है। तो हम बोल सकते हैं यदि दोनों का मान क्या होता है ऋणात्मक होता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका आपका जो डेल एच होता है वो तो क्या होता है स्वतः प्रति जो प्रक्रम होता है उनके पक्ष में होता है लेकिन हमारा जो डेल टी डेल एस होता है वो विपरीत होता है और इस स्थिति में जो है ऐसा करना पड़ता है कि वहाँ पर डेल एच का मान क्या हो जाए आपका ज़्यादा हो जाए और टी डेल एस का मान कम हो जाए तब जा करके क्या होता है आपका स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। अतः स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए यहाँ पर डेल एच ज़्यादा होना चाहिए और टी डेल एस जो है कम होना चाहिए ठीक है। अतः स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए डेल एच का मान टी डेल एस से अधिक होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा शर्त हो गया। थर्ड नंबर, यदि डेल एच और टी डेल एस दोनों धनात्मक हो तो इस स्थिति में डेल एच मतलब इस स्थिति में उल्टा कर दें टी डेल एस क्या होता है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के पक्ष में होता है और डेल एच विपरीत होता है डेल
एच क्या होता है हमारा, विपरीत होता है, विपरीत होता है। अतः अतः स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए, प्रक्रम के लिए क्या होता है हमारा, यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है कि टी डेल एस जो है बड़ा और डेल एच क्या हो जाए छोटा हो जाए, डेल एच है ना कम हो, कम हो। तो ये कुछ शर्त हैं जिस शर्तों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, डेल जी का जो ऋणात्मक मान है उसको कल्पना कर सकते हैं। पहला, अगर हमारा क्या होता है डेल एच ऋणात्मक होता है, टी डेल एस धनात्मक होता है, तो उस स्थिति में डेल जी का मान क्या होता है ऋणात्मक में आता है और स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। यदि मान लो डेल एच और टी डेल एस दोनों कैसा होता है हमारा ऋणात्मक में होता है, तो इस स्थिति में आपका डेल जी का मान धनात्मक में होता है और ऐसे भी स्थिति में वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि आपका डेल एच का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है और टी डेल एस का मान कम हो जाए, तो उस स्थिति में डेल जी का मान ऋणात्मक हो जाता है और वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर डेल एच और टी डेल एस दोनों धनात्मक हो, तब भी इस स्थिति में डेल जी का मान क्या होता है धनात्मक में होता है, बट हम ऐसे करते हैं कि आपका टी डेल एस का मान बढ़ जाए और डेल एच का मान कम हो जाए, जिससे डेल जी का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है और प्रक्रम कैसा हो जाता है स्वतः परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीका से स्वतः परिवर्तित जो भी प्रक्रम है उसके लिए हम समीकरण और ये कुछ परिस्थितियाँ क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका उससे रिलेटेड बातें। थोड़ा सा प्रक्रम से संबंधित और भी बातें दिया गया है, जैसे प्रक्रम की स्वतः परिवर्तित पर ताप का प्रभाव दिया गया है। और पहला दिया है हमारा उष्मा, आपका शोषी प्रक्रम। आप जानते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें क्या किया जाता है उष्मा को अवशोषित किया जाता है ना, तो ये आप जानते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा क्या क्या होता है अवशोषित होता है, अवशोषित होता है। तो वह प्रक्रम जिसमें उष्मा अवशोषित होता है, उष्मा अवशोषित होने से डेल एच का मान और आपका जो क्या होता है आपका जो डेल एस का मान होता है वो क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है, और इस स्थिति में आपका जो क्या होता है टी डेल एस का मान, या हम डेल एच का मान क्या कर सकते हैं यहाँ पर, टी डेल एस का जो मान होता है ये मान क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। और इस स्थिति में फिर जो प्रक्रम होता है वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं होता है, तो आपको जो है प्रक्रिया को इतना उष्मा दिया जाता है कि आपका जो टी डेल एस का मान होता है वो डेल एच से क्या हो जाता है आपका ज़्यादा हो जाता है, और उस स्थिति में फिर जो है आपका प्रक्रिया जो है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम को प्रदर्शित करता है, लेकिन वो अधिक ताप पर करता है और कम ताप पर अस्वतः को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो वह प्रक्रम जिसमें उष्मा अवशोषित होता है ना, उष्मा अवशोषित होने से उष्मा अवशोषित होने से डेल एच और डेल एस का मान क्या हो जाता है धनात्मक में हो जाता है, डेल एस और डेल एस का मान कितने हो जाता है बढ़ जाता है। लेकिन टी डेल एस और आपका क्या होता है डेल एच का मान क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, का मान कम हो जाता है। इस स्थिति में प्रक्रम स्वतः परिवर्तित नहीं होता है, प्रक्रम स्वतः परिवर्तित नहीं होता है। तो इस स्थिति में स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं होता है, इस स्थिति में ताप में है ना थोड़ा वृद्धि कर दिया जाता है, ताप में थोड़ा वृद्धि करते हैं जिससे टी डेल एस का मान क्या हो जाता है हमारा डेल एस से अधिक हो जाता है टी डेल से
अधिक हो जाता है ना, और फिर आपका जो प्रक्रिया होता है वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। तो इसमें लिख सकते हैं आपका ऊष्मा शोषी जो प्रक्रम होता है उस प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, और जैसे ही ऊष्मा क्या करता है अवशोषित करता है आपका डेल एच और डेल एस का मान तो क्या हो जाता है ऑलरेडी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब धात्मक में चला जाता है ना, बढ़ जाता है। और लेकिन उसमें डेल एच जो होता है टी डेल एस का मान जो होता है वो उनका मान डेल एच की अपेक्षा कम हो जाता है, और उस स्थिति में स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं ताप को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ताप जैसे ही बढ़ाते हैं और इतना बढ़ाते हैं कि टी डेल एस का मान क्या हो जाता है डेल एच से अधिक हो जाता है, और उस स्थिति में फिर क्या हो जाता है वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम को क्या करता है प्रदर्शित करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ताप अगर कम होता है तो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं होता है, लेकिन ताप जैसे ही क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो परिवर्तित प्रक्रम को क्या करता है प्रदर्शित करता है, और यही आपका क्या होता है आपका ऊष्मा छुपी प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अगर इसमें हम ऊष्मा शोषी की बात करें तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा क्या किया जाता है उत्सर्जित होता है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा क्या होता है हमारा उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा क्या होता है भाई उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं हम लोग ऊष्मा छेकी प्रक्रम कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है हमारा जो डेल एच होता है और जो डेल एस होता है उसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है आपका वो जो है बढ़ जाता है, डेल एस का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है ना। तो उल्टा करेंगे तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा क्या होता है उत्सर्जित होता है, ऐसा करने से आपका जो डेल एच होता है और डेल जो एस होता है उसका मान क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, मतलब ऋणात्मक में क्या हो जाता है चला जाता है, लेकिन टी डेल एस का मान क्या हो जाता है डेल एच के मान से क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है, और उस स्थिति पर भी अभिक्रिया जो है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया नहीं होता है। तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है ना, ऐसे होता है इस कारण उस इस पर वह प्रक्रम जिसमें उसमें क्या होता है उत्सर्जित होता है जिसके कारण डेल एस और डेल एच का मान है ना, कारण डेल एच और यहाँ पर लिख सकते हैं डेल एस का मान क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे टी डेल एस का मान डेल एच से क्या हो जाता है हमारा अधिक हो जाता है। तो इस स्थिति में प्रक्रम स्वतः परिवर्तित नहीं होता है। तो इस स्थिति प्रक्रम स्वतः परिवर्तित नहीं होता है। अब ताप को क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है, लेकिन ताप को कम करने पर आपका क्या हो जाता है टी डेल एस का मान डेल एच से कम हो जाता है और प्रक्रम स्वतः परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी में दे सकते हैं। ऊष्मा छेपी में क्या होता है आपका ऊष्मा क्या होता है उत्सर्जित होता है, इस कारण से क्या होता है आपका जो डेल एच होता है और हमारा टी डेल आपका डेल एस होता है उनका मान क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, लेकिन और टी डेल एस जो होता है उसका मान क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है किससे डेल एच की अपेक्षा। तो इस स्थिति में प्रक्रम भी स्वतः परिवर्तित नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं ताप को इतना कम कर देते हैं, पहले ताप बढ़ाते थे अब ताप को क्या करते हैं कम करते हैं, जिससे आपका टी डेल एस का मान डेल एस से क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, फिर प्रक्रिया कैसा हो जाता है स्वतः परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीका से स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए हम ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी को यहाँ से क्या कर सकते हैं बताया जा सकता है। अगर आता है तो लिखना है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे हम चलते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं उपयोगी कार्य, हम इसको देखते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और उपयोगी कार्य कैसा होता है किस प्रकार से होता है उसको हमको क्या करना है देखना है।
और आगे हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं उपयोगी कार्य की जो भौतिक सार्थकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा की जो क्या होती है, जो भौतिक सार्थकता होती है, उस भौतिक सार्थकता को क्या करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर के क्या की जाती है, आपका किसी निकाय द्वारा अकि ऊष्मा ग्रहण की जाती है, जिससे जिससे उसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या होती है, हमारी एंथैल्पी परिवर्तन बोल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होती है डेली, तथा उसमें किया गया कार्य क्या होती है आपकी डब्लू होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मुक्त ऊर्जा के भौतिक सार्थकता को है ना समझाने के लिए किसको भाई, मुक्त ऊर्जा की भौतिक सार्थकता को समझाने के लिए किसी तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई तथा किया गया कार्य पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो मुक्त ऊर्जा की भौतिक सार्थकता को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेली और तंत्र पर किया गया कार्य जो डब्लू होता है, पर क्या करते हैं, यहाँ से विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है भाई, यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ये हो जाता है क्यू है ना, और इक्वल टू क्या होता है हमारा डेल ई प्लस क्या होता है हमारा डब्लू होता है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, बताया जा सकता है, जहाँ पर क्यू क्या होता है हमारा तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा होता है। डेली क्या होता है भाई हमारा, डेली बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा या ऊष्मा में परिवर्तन और डब्लू होता है तंत्र पर किया गया कार्य उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर एक क्या होता है प्रसार कार्य, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, पी डेल भी से क्या करते हैं, शो करते हैं। और एक क्या होता है अप्रसार कार्य होता है, और ये अप्रसार कार्य क्या होता है हमारा, ये डब्लू से हम लोग शो कर रहे हैं, और ये क्या होता है हमारा उपयोगी कार्य में जो खर्च होता है इसको। अब इस मान को हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, समीकरण में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो कितना हो जाता है हमारा, क्यू बराबर ये हो जाता है आपका डेल ई और प्लस क्या हो जाता है आपका डब्लू। एक हम लोग लिखते हैं इसमें प्रसार कार्य और एक होता है हमारा अप्रसार कार्य। तो इसको प्रसार कार्य को किससे शो करते हैं, पी डेल भी से शो करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रसार कार्य। या इसको पहले लिख देते हैं, दो डब्लू लिखते हैं, एक प्रसार वाला कार्य और एक क्या होता है हमारा अप्रसार वाला जो क्या होता है कार्य होता है, उसको पहले क्या करते हैं लिख देते हैं। अब प्रसार कार्य बराबर क्या होता है भाई, पी डेल भी होता है, तो क्यू बराबर कितना हो जाता है आपका डेल ई प्लस क्या हो जाता है आपका डब्लू बराबर क्या लिखे हम लोग प्रसार कार्य में, पी डेल और ये हो जाता है भी और प्लस क्या हो जाता है हमारा डब्लू अप्रसार कार्य को क्या करता है प्रदर्शित करता है। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर जो है डेल एच बराबर क्या होता है आपका
ये होता है डेल ई प्लस क्या होता है आपका पी डेल भी को क्या करता है प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं डेल ई के जगह हम क्या कर सकते हैं डेल ई और पी डेल के बजाय डेल एच क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। तो मान कितना प्राप्त हो जाता है हमारा क्यू बराबर ये कितना हो जाता है दोनों का मान क्या हो जाता है डेल एच और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका प्लस में क्या हो जाता है आपका डब्लू अप्रसार जो कार्य होता है अप्रसार जो कार्य होता है उसको क्या करता है प्रदर्शित करता है। यदि हम क्या करते हैं मुक्त ऊर्जा में क्या करते हैं यहाँ पर परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन होता है उसका मान कितना होता है भाई। तो यहाँ पर चलते हैं एंट्रोपी परिवर्तन के पास। किसके पास एंट्रोपी परिवर्तन एंट्रोपी हम क्या देखते हैं परिवर्तन देखते हैं एंट्रोपी परिवर्तन कैसा होता है। तो एंट्रोपी परिवर्तन आपने देखा था तो ये क्या होता है हमारा डेल एस और ये क्या होता है क्यू अपान क्या होता है हमारा ये जो है टी के क्या होता है आपका बराबर होता है या ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं डेल एस जो होता है डेल एस अपान क्या होता है क्यू अपान क्या होता है आपका टी होता है। अगर इसमें क्या कर दिया जाए पक्षांतरित कर दिया जाए तो ये क्या प्राप्त हो जाता है टी डेल एस और ये क्या हो जाता है आपका क्यू क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। मतलब क्यू बराबर क्या होता है हमारा यहाँ पर टी डेल एस क्या होता है प्राप्त होता है। इस क्यू के मान को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है रख दिया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है क्यू जो होता है उसके जगह क्या लिखा जा सकता है हमारा डेल टी एस इज इक्वल टू है ना वहाँ पर क्या होता है हमारा डेल एच और ये क्या होता है डब्लू अप्रसार कार्य को क्या करता है प्रदर्शित करता है ना डेल एच और अप्रसार कार्य को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम क्या करते हैं इस तरफ क्या करते हैं पक्षांतरित कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा जो मान होता है ये हमारा जो मान होता है वो कितना प्राप्त हो जाता है या इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो ये क्या कितना हो जाता है हमारा डब्लू हो जाता है और ये इस तरफ आता है तो कितना हो जाता है आपका डेल एच माइनस क्या हो जाता है आपका टी डेल एस क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब देखो ये डब्लू अप्रसार कार्य था माइनस में था इस तरफ हमने क्या कर दिया पक्षांतरित कर दिया तो माइनस का क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है भाई। तो ये कितना हो जाता है डब्लू अप्रसार कार्य हो गया अप्रसार कार्य हो गया ठीक है ये डब्लू इस तरफ आ गया और डेल एच का तो ये डेल एच यहीं पर रहता है इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है टी डेल एस प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपको पता है डेल एच माइनस टी डेल एस बराबर कितना होता है डेल जी होता है तो डब्लू अप्रसार कार्य बराबर अप्रसार कार्य या तो चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि क्योंकि हमको पता है कि डेल जी बराबर क्या होता है हमारा डेल एच माइनस क्या होता है हमारा टी डेल एस होता है। मतलब यहाँ पर उस मान को रख सकते हैं तो डब्लू क्या होता है हमारा अप्रसार कार्य होता है और इसका जो मान होता है किसके बराबर हो जाता है हमारा इनका जो मान है वो डेल जी के क्या होता है बराबर हो जाता है। जहाँ पर हमारा ये डेल जी प्राप्त हो जाता है ना या मान क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है तो डेल जी का मान क्या हो गया आपका प्राप्त हो गया या इसको हम लोग इस प्रकार से पक्षांतरित करते हैं तब भी इसका जो मान है या ऐसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर अप्रसार कार्य को यहीं पर रखते हैं डेल जी को इस तरह क्या करते हैं पक्षांतरित कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा माइनस में अगर करेंगे तो नहीं आ रहा है ठीक है। तो एक मिनट इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा मान ये क्या हो जाता है हमारा क्यू बराबर क्या होता है भाई डेल एच प्लस क्या होता है डब्लू अप्रसार क्या होता है कार्य होता है। चूँकि हम जानते हैं एंट्रोपी परिवर्तन बराबर कितना होता है डेल एस माइनस क्या होता है आपका ये क्यू अपान क्या हो जाता है टी हो जाता है। अगर हम इस तरफ इस मान को क्या कर देते हैं अगर पक्षांतरित करते हैं तो ये मान प्राप्त होता है तो क्यू बराबर कितना हो गया हमारा डेल टी डेल एस हो जाता है और इस तरफ हम देखेंगे तो कितना हो जाता है डेल एच माइनस कितना हो जाता है आपका ए प्लस में है हमारा ये प्लस में है ना भाई तो ये हमारा क्या हो जाता है डब्लू अप्रसार कार्य को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अब इधर प्लस है अब इसको इस तरफ क्या करते हैं पक्षांतरित करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है तो ये अप्रसार कार्य को क्या करता है शो करता है और इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो डेल एच माइनस क्या होता है हमारा टी डेल एस होता है और टी डेल एस जो होता है इसका मान किसके बराबर होता है डेल जी के बराबर होता है तो डेल एच माइनस क्या होता है टी डेल एस ये हम लोग जानते हैं इस मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है डब्लू क्या हो जाता है अप्रसार कार्य हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है डेल जी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अगर माइनस को इस तरफ पक्षांतरित कर दिया जाए तो डब्लू अप्रसार कार्य
कार्य, और ये क्या हो जाता है आपका माइनस में डेल जी का मान क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से एक छोटा सा क्या बनता है इसका समीकरण बनता है जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और उपयोगी कार्य के सार्थकता को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो लिख सकते हैं मुक्त ऊर्जा की जो भी भौतिक सार्थकता होता है उस भौतिक सार्थकता को समझाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है समीकरण किया जाता है जिसके द्वारा हम जो समीकरण होता है उसमें तंत्र को की ऊष्मा देते हैं तो उनका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेली होता है और तंत्र पर क्रिया गया कार्य डब्लू होता है जिसको इस समीकरण से क्या किया जाता है दर्शाया जाता है जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का है। अब जो भी होता है क्यू बराबर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा होता है डेली आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है डब्लू तंत्र पर किया गया कार्य होता है एक प्रसार कार्य होता है और एक अप्रसार कार्य होता है। तो डब्लू की जगह दोनों कार्य को क्या कर दिया जाता है रख दिया जाता है क्योंकि प्रसार कार्य क्या होता है पी डब्लू वी के बराबर होता है और हम जानते हैं कि डेली प्लस पी डेल वी क्या होता है डेल एच के बराबर होता है। तो इस मान को यहाँ पर रख दिया जाता है तो क्यू बराबर डेल एच प्लस क्या हो जाता है अप्रसार कार्य आ जाता है। क्योंकि आप एंथैल्पी एंट्रोपी परिवर्तन में पढ़े हैं कि डेल एस बराबर क्या होता है क्यू अपान टी होता है इस तरफ टी को पक्षांतरित कर दिया जाता है कितना प्राप्त हो जाता है हमारा टी डेल एस और इक्वल टू क्यू प्राप्त होता है। अब ये जो मान होता है इस मान को यहाँ पर रख दिया जाता है तो क्यू बराबर कितना होता है टी डेल एस होता है बराबर क्या होता है डेल एच प्लस क्या होता है अप्रसार कार्य होता है। अब इसको पक्षांतित कर दिया जाए तो माइनस में चला जाता है ये इधर प्लस में इधर वाला प्लस वाला इधर माइनस में चला जाता है क्योंकि हम जानते हैं डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस होता है और उस मान को यहाँ पर रख दिया जाता है और अंत हमको एक क्या हो जाता है समीकरण प्राप्त हो जाता है। और यही समीकरण मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं उपयोगी कार्य के भौतिक सार्थकता को क्या करता है समझाता है जहाँ पर अप्रसार कार्य जो होता है ये अप्रसार कार्य क्या करता है हमारा जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है उसके निर्णात्मक मान जो होता है ऋणात्मक मान जो होता है उसके क्या होता है बराबर होता है। तो इस तरीका से इसको क्या किया जा सकता है समझाया जा सकता है। आगे है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य स्थिरांक। यहाँ पर दिया गया है आपका ये दिया गया है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य स्थिरांक। यहाँ पर दर्शाने के लिए आप जानते हैं कि एक ये बोलता है कि यदि हमारा क्या होता है डेल जी का मान क्या होता है आपका ऋणात्मक में होता है तो उस स्थिति में प्रक्रम क्या होता है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। यदि डेल जी का मान धनात्मक में होता है तो प्रक्रम स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं होता है। और यदि डेल जी का मान क्या होता है हमारा या ऐसे बोल सकते हैं कि कोई प्रक्रिया कैसा है हमारा ऊष्मा शोषी है ऊष्मा क्षेपी है ना तो उस स्थिति में अगर हमारा क्या होता है कोई प्रक्रम साम्यावस्था में होता है तो उस स्थिति में आपका जो क्या होता है जो डेल जी होता है इस डेल जी का मान जो होता है वो क्या होता है हमारा जीरो होता है। और उस स्थिति में क्या किया जाता है एक छोटा सा समीकरण के द्वारा इसको समझाया जाता है जिसको हम लोग लिखा करते हैं डेल जी बराबर क्या होता है हमारा डेल जी नॉट होता है प्लस क्या होता है आर टी होता है उसके बाद क्या होता है एल एन है ना और एक क्या होता है हमारा के से क्या किया जाता है इसको दर्शाया जाता है। क्योंकि हमारा जो साम्यावस्था होता है साम्यावस्था प्रक्रम में यहाँ पर लिख सकते हैं साम्यावस्था प्रक्रम में अगर हम देखें तो उस स्थिति में डेल जी का मान क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। तो मान क्या हो जाता है हमारा जीरो इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा डेल जी नॉट प्लस क्या होता है हमारा आर टी और ये क्या हो जाता है एल एन और ये के क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अगर इस तरफ इसको पक्षांतरित कर देते हैं तो इसका मान किस में चला जाता है माइनस में चला जाता है और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है आर टी और एल एन के क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। क्योंकि एल एन का जो मान होता है वो 2.303 लॉग होता है तो इस मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारा मान क्या हो जाता है आपका ये हो जाता है डेल जी नॉट इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाता है 2.303 है ना उसके बाद क्या हो जाता है हमारा लॉग और ये के क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अगर इसको इस तरफ पक्षांतरित कर दिया जाए तो डेल जी नॉट बराबर क्या होता है हमारा 2.303 और लॉग क्या होता है के प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा यहाँ से समीकरण क्या होता है प्राप्त होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार से बता सकते हैं। और एक हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का और वो ये है कि ऊष्मागतिकी का जो कौन सा है हमारा तीसरा नियम है। दो नियम हम पढ़ चुके हैं ये ऊष्मागतिकी कौन सा नियम होता है तीसरा नियम होता है। और तीसरा नियम ये कहता है कि आदर्श क्रिस्टल या संपूर्ण बोल सकते हैं क्रिस्टली जो ठोस होता है ना उसका जो एंट्रॉपी होता है वो परम शून्य ताप पर क्या होता है आपका शून्य होता है परम शून्य ताप पर क्या होता है आपका शून्य होता है या नहीं होता है। तो लिख सकते हैं आदर्श क्रिस्टल
आदर्श क्रिस्टल क्रिस्टल अथवा संपूर्ण संपूर्ण क्रिस्टली ठोस की एंट्रोपी, क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी, ठोस की एंट्रोपी एंट्रोपी परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर शून्य मानी जाती है, शून्य मानी जाती है जाती है। यही हमारी क्या होती है, उष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाती है। कोई आदर्श क्रिस्टल है या कोई संपूर्ण क्रिस्टली ठोस है तो उनकी जो एंट्रोपी होती है वो परम शून्य ताप पर क्या होती है, शून्य मानी जाती है। शून्य मानी जाती है मतलब कि जो हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पर 0 केल्विन पर पहुंच जाए तो उस स्थिति में ठोस में जो है अव्यवस्था बहुत ही क्या होती है, कम होती है, और इसलिए उसमें एंट्रोपी का मान भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसलिए जो है वहाँ पर क्या होती है, कोई भी क्रिस्टल जो होती है वो परम शून्य ताप पर उनकी एंट्रोपी शून्य होती है। यही उष्मागतिकी की कौन सी होती है, तृतीय नियम होती है। और यहाँ पर उष्मागतिकी की कुछ जो है तृतीय नियम की उपयोगिता आपका बताई गई है। जैसे यहाँ पर आपका अगर एंथैल्पी जो है कि स्थिर ताप पर एंथैल्पी परिवर्तन जो होती है वो क्या होती है हमारा, यहाँ पर एंट्रोपी लिखी जा सकती है। उसके बाद क्या होती है हमारी ए नॉस, ये हमारा साम्यावस्था में क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है ना, साम्यावस्था में। और अंतः हमारा जो मान होती है वो मान किसके बराबर होती है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मान है वो मान यहाँ पर एस टी इज्क्वल टू एस नॉट है ना। और अगर हम आगे अगर देखें तो इस तरीका से 0 से लेकर प्लस, और ये आपका क्या होती है सी पी डी टी अपॉन टी क्या होती है, अंतः प्राप्त हो जाती है। तो बस इसमें इतने ही मान लिखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और इस तरीका से उष्मागतिकी की जो तृतीय नियम है उसको बताई जा सकती है। तो ये लेसन यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है, और अगला जो लेसन है वो हम लोग जो है आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं।